हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुधीर साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, तो आज अपन बायोमोलिक्यूल के लेक्चर नंबर 4 में आई थिंक, और उसमें आज हमको कवर करना है बेटा न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, जो आप सुनते आ रहे हैं ना, डीएनए आरएनए ये सभी चीजें जो है वो न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आती है। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, और वो पॉलीमर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होती है। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक। ये वीडियो, ये पूरा पेज कोर्स हम हिंदी मीडियम के बच्चों को फोकस करते हुए बना रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट तो इनफ है बेटा, इसमें आपको मिल ही जाएगा। बट कुछ बच्चे जो कहते हैं कि नहीं सर, मुझे हिंदी में ही पढ़ना है, तो उनको हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, लाइव टेस्ट रहेगी, और थ्योरीज वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। अभी यदि आप हमारे एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं, तो वहां पे बेटा 1000 रुपीज का कूपन मिलेगा, और ये जो पेड कोर्स है उसकी प्राइस 1000 रुपीज कम हो जाएगी, 3999 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आपने यदि परचेस नहीं किया है तो आप परचेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड को। ओके, तो बेटा सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के लिए एक बंदे का नाम याद रखो यार, जिसका नाम है बेटा एफ मिशर नाम है। तो यहां पे मैं हिंदी में पहले लिख रहा हूं एफ, ठीक है, क्या नाम है, मिशर नाम है बेटा। ठीक है, एफ मिशर ये बंदे हैं। इन्होंने क्या किया था बेटा, घाव जो जानते हैं ना, जिसको हम वुंड कहते हैं, घाव से जो पस निकलता है, फर्स्ट टाइम पस सेल से, ठीक है, पस सेल से जो मवाद निकलती, पस सेल या फिर हम हिंदी में लिख देते हैं मवाद, से एक डार्क कंडेंस कंपोनेंट को इन्होंने ढूंढा और उसका नाम रख दिया बेटा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पस सेल से एक डार्क, ठीक है, और कंडेंस्ड कंपोनेंट को इन्होंने डिस्कवर किया। कंपोनेंट को इन्होंने क्या किया बेटा, डिस्कवर किया और उसका नाम इन्होंने रखा बेटा न्यूक्लीन रखा। क्या नाम रखा, देखो, न्यूक्लीन रखा। ठीक है, न्यूक्लीन मतलब ये देख लो, न्यूक्लीन, ठीक है, न्यूक्लियन रखा मतलब ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर इनको ये मिला है, तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, सबसे पहले न्यूक्लियन रख दिया है। ठीक है भाई, न्यूक्लियन रख दिया। अब इस न्यूक्लियन का जो प्रकृति थी बेटा, नेचर की बात कर रहा हूं मैं, प्रकृति नेचर, ठीक है, इसका जो नेचर था बेटा वो क्या था, एसिडिक था, और एसिडिक नेचर होने के कारण इस न्यूक्लीन का नाम शक्तिमान का भाई है, जिसका नाम है बेटा अल्टमान। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है अल्टमान, हिंदी में भी लिख देते हैं अल्टमान रख देते हैं। ठीक है, तो उनका नेचर देख करके अल्टमान ने इसको कहा कि आज से हम तुमको क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड नाम देंगे बेटा अल्टमान। ये वही अल्टमान है जो आरएनए की दुनिया का हाइपोथेसिस दिया था, आरएनए वर्ल्ड इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड, ठीक है, मतलब प्रिमिटिव एज में जो हर एक चीज आरएनए से बना होता था, या मेन कंट्रोल आरएनए ही किया करता था बेटा, उस टाइम को आरएनए वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। जिस हाइपोथेसिस को किसने दिया है, तो अल्टमान जो कि शक्तिमान का भाई है, उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये देखो, अल्टमान का एक मेन कंट्रीब्यूशन मिल गया कि इन्होंने ही न्यूक्लिक एसिड नाम रखा है। ठीक है, इन्होंने ही उसका नाम क्या रखा बेटा, न्यूक्लिक एसिड नाम रखा है। ये देखो, उसका एसिडिक नेचर के कारण हो गया। अब यहां पे बात आती है कि भैया जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है भाई, न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा, तो याद रखना पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का। अरे अमीनो एसिड कहाँ आ गया, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ये आ गया बेटा न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का ये क्या होता है, पॉलीमर होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सिंपली यहां पे मेंशन कर देता हूं भैया कि ये कौन है, तो ये है आपके पॉलीमर ऑफ क्या, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे बेटा। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉलीमर बनाते हैं और उस पॉलीमर का हम नाम क्या रखते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड रखते हैं। क्यों ना एक ऐसा पॉलीमर बना दे, ये लो यहां पे हम नोट करते हैं बेटा 5 प्राइम और यहां पे हम नोट करते हैं 3 प्राइम और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो ब्लू कलर में आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है ये कौन है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, ये एक, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है बेटा ये, ठीक है। हिंदी में यहां पे लिखा हूं ना, बार बार मैं हिंदी में नहीं लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि थोड़ा हिंदी में लिखना बहुत टिपिकल होता है, कोशिश इतना किया जा रहा है कि आपको चीजें हिंदी में भी समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी कंटेंट आपको बायलिंगुअल ही मिलेगा बेटा, प्योर हिंदी में बायोलॉजी को स्टडी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो यार, 3 प्राइम में OH ग्रुप होता है बेटा और 5 प्राइम में होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये बड़ा सा जो चैन दिख रहा है वो आपका पॉलीपेप्टाइड चैन के जैसा, जो अमीनो एसिड में आपने पॉलीपेप्टाइड चैन पढ़ा था ना, जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ अमीनो एसिड थे, वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिल करके आपका क्या बन गया बेटा, न्यूक्लिक एसिड बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा वो पॉलीमर है, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है, ये देखो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है ना भाई, ये न्यूक्लियोटाइड का क्या है, पॉलीमर है। तो क्यों ना मैं न्यूक्लियोटाइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। ये देखो न्यूक्लियोटाइड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब न्यूक्लियोटाइड 2 चीजों से मिलके बना है बेटा, एक है तुम्हारा फॉस्फेट, ठीक है, एक है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप और दूसरा बेटा देखो साइड में है, बात समझना ना, एग्जाम में तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड के साइड में कौन, न्यूक्लियोसाइड छोटा वाला मॉलिक्यूल, मतलब देखो यदि न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दो, यदि न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दो तो बचा हुआ पार्ट क्या बचता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड बचता है, ये बेचारा साइड में है, देखो ये न्यूक्लियोसाइड है, हिंदी में लिख दूं ये है बेटा तुम्हारा न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड जो है कैसे बनेगा, जब तुम फॉस्फेट ग्रुप को हटा दोगे, कहां से बेटा, न्यूक्लियोटाइड से। अब जो तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड होता है इसके भी क्या है बेटा, 2 कंपोनेंट है, इसके भी 2 कंपोनेंट है, एक है बेटा 5 कार्बन वाला शुगर, 5 कार्बन वाला क्या बोल रहा हूं मैं, शुगर बोल रहा हूं, जिसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखना पेंटोस शुगर कहते हैं, 5 कार्बन वाला शुगर होता है पेंटोस शुगर, और लास्ट होता है बेटा नाइट्रोजिनस, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोजिनस बेस कहेंगे, हिंदी में लिख देते हैं नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजिनस बेस, कितने हो गया बेटा, गिन लो इसको, काउंट कर लो, 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, तीनों को मिलाओगे तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, मगर फॉस्फेट को हटा दो तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस दोनों मिलके बनाता है आपका न्यूक्लियोसाइड बनाता है। इनमें बड़ा कौन है बेटा, मुझे लगता है कि 3 चीजों से मिलके जो बन रहा है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, ये सबसे बड़ा है, और जो 2 चीजों से मिलके बन रहा है बेटा वो थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल है। तो न्यूक्लियोटाइड सबसे बड़ा और न्यूक्लियोसाइड उससे थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है,
ठीक है। अब यहीं पे क्या करते हैं बेटा, फॉस्फेट ग्रुप को यहीं पे कवर कर लेते हैं। फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं देखो, तो सेंटर में आपको लेना है पी, इनकी टोटल वैलेंसी में एक जगह पे डबल बॉन्ड मेंशन कर दो, चारों तरफ ओ ओ एन ओ, ठीक है, चारों तरफ ओ एन ओ एन ओ, ये हो गया ओ, ठीक है। इसका फार्मूला होता है बेटा पी ओ फोर, और यदि तीन हाइड्रोजन ऐड कर दें तो एच थ्री हो जाएगा। ये देखो यहां पे एच, यहां पे एच, यहां पे एच, एच थ्री पी ओ फोर, या फिर पी ओ फोर और तीन हाइड्रोजन चले गए तो थ्री माइनस हो जाएगा बेटा, पी ओ फोर थ्री माइनस लेके चलेंगे। अब मुझे बताओ कि फॉस्फेट ग्रुप में कौन सा चार्ज है, याद रखना फॉस्फेट ग्रुप में निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप में निगेटिव चार्ज होता है बेटा, और निगेटिव चार्ज के कारण याद रखना आपके डीएनए में और आपके आरएनए में, डीएनए और आरएनए में कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होता है हमेशा, डीएनए आरएनए में निगेटिव चार्ज होगा, वो भी क्या बेटा ऑलवेज, हमेशा निगेटिव चार्ज होगा, जबकि प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है बेटा। प्रोटीन में डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का अमीनो एसिड वहां पे प्रेजेंट है, उसके हिसाब से वहां पे पॉजिटिव निगेटिव होती है, बट आपके डीएनए आपके आरएनए में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज होता है। दिमाग में सेट कर लो, दो ही बायोमोलिक्यूल होते हैं जिनमें चार्ज होती है, एक प्रोटीन और एक डीएनए आरएनए जिसको न्यूक्लिक एसिड कह रहे हो। न्यूक्लिक एसिड में हमेशा निगेटिव चार्ज होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ओके। और आपके जो प्रोटीन होते हैं बेटा उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज हो सकता है, मगर चार्जेस होगी, बिना चार्ज के कोई भी प्रोटीन नहीं होगा, ओके। चलिए अब पेंटोज शुगर में आ जाते हैं बेटा। पांच कार्बन वाले शुगर तो कई सारे हैं, मगर हमको ना दो शुगर पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ दो शुगर पढ़ना है, शुगर नंबर वन राइबोज, ठीक है, क्या नाम है इसका, राइबोज, और शुगर नंबर टू है बेटा डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी क्या बोलेंगे राइबोज, लिख लेते हैं डी ऑक्सी क्या आ जाएगा बेटा, राइबोज हो जाएगा, ठीक है। याद रखना राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होगा, आरएनए में होता है, और डीऑक्सीराइबोज जो है बेटा वो किस में होता है, डीएनए में होता है। मतलब मेरे आरएनए और डीएनए में दो तरह के पेंटोज शुगर होते हैं, एक पेंटोज शुगर है बेटा राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर आरएनए में होता है, इसलिए उसका नाम देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारे पेंटोज शुगर, दो नाम है ना, अभी पेंटोज शुगर के बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। नाइट्रोजिनस बेसिस में दो होता है बेटा, एक का नाम है प्यूरिन, ठीक है, एक का नाम क्या है, प्यूरिन है, और दूसरे का नाम है बेटा पाइरीमिडीन, ठीक है, क्या नाम है इसका, पाइरीमिडीन बोल देंगे। प्यूरिन में क्या क्या आते हैं बेटा, दो आते हैं ए और जी, प्यूरिन में ये ए और बी यहां पे सेट कर देता हूं, यहां पे तीन होते हैं बेटा ए बी और सी, यहां पे सेट कर देता हूं, और अपने आप को मैं कहां रख दूं, यहां रख देता हूं, इधर का काम हो गया ना, ठीक है। चलिए तो ये आते हैं वापस, टोटल पांच नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिसमें से दो कौन हैं, प्यूरिन है, और तीन कौन है बेटा पाइरिमिडीन। दो के नाम क्या क्या हैं, तो एक है बेटा ए और एक है बेटा जी, सी यू टी, ठीक है। ए से क्या आता है, एडिनीन, क्या आता है, एडिनीन। जी से क्या आता है बेटा, गुआनिन, ठीक है, गुआनिन आता है, या गुआनिन कर सकते हैं। सी से आता है बेटा साइटो, ठीक है, साइटोसिन। यू से आता है बेटा यूरेसिल, और टी से आता है बेटा थाइमीन, ठीक है। ये टोटल पांच नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होती है, और आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इन पांचों नाइट्रोजिनस बेस के बारे में।
ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें पैनिक होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अब ये देख लो कि इतनी चीजों से मिलके हमारा डीएनए और आरएनए बनता है। एक है बेटा फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम PO4-3- कहते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। एक होता है आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में दो तरह के शुगर हमारे डीएनए आरएनए में होती है, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज, और यदि वो आरएनए है तो राइबोज शुगर होता है। नाइट्रोजनस बेस टोटल दो है बेटा, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन दो तरह के होते हैं, एडिनिन ग्वानिन। पायरिमिडिन तीन तरह के हैं बेटा, साइटोसिन, यूरैसिल एंड थायमीन। ये टोटल हो गए तीन कंपोनेंट, ठीक है। चलिए तो बेटा यहां पे फॉस्फेट ग्रुप का काम हो गया, बस इतना ही पढ़ना है। फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर देखा आपने, फॉस्फेट ग्रुप में नेगेटिव चार्ज होता है आपने कहा, और इसी के नेगेटिव चार्ज के कारण आपका डीएनए का भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये आपने बता दिया है, ठीक है, इनफ है ये। तो अब यहां पे सेकंड नंबर आते हैं बेटा तुम्हारे पेंटोज शुगर में। चलिए तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, पेंटोज शुगर के बारे में, ठीक है भाई। पांच कार्बन वाला शुगर है जिसका नाम क्या है, पेंटोज शुगर है, ठीक है भाई। ये लो चलो, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर बोल देंगे, ठीक है। पेंटोज शुगर को सेंटर में रखते हैं, यहां पर लिख देता हूं बेटा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में कितने कार्बन, पांच कार्बन होते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो कुछ इस तरह से, इसको कलर चेंज कर दो, ब्लैक तो दिखेगा नहीं, ठीक है भाई। ये पहला का नाम रख दो बेटा राइबोस, दूसरे वाले का नाम रख दो डी, हिंदी में लिख चुका हूं वहां से देख लेना, डी ऑक्सी राइबोस, ठीक है। अब पांच कार्बन वाला हमको क्या बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है बेटा। पहले क्या करना, आप ना लीनियर बना लो, पांच कार्बन का लीनियर बना लो। ये देखो बना रहा हूं मैं, उसको सीखो पहले, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और यदि इसमें एल्डिहाइड है तो यहां पे आ जाता है बेटा CHO, और लास्ट में आ जाता है CH2OH आ जाता है, ठीक है। बाकी सब में आप HOH करते जाओ, H यहां पे OH है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए लीनियर फॉर्म में पेंटोज शुगर। इस लीनियर फॉर्म को आपको बनाना है बेटा साइक्लिक बनाना है। कैसे बनाते हैं, जब भी नंबर ऑफ कार्बन पांच है तो 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बनता है। ये देखो यहां पे जो बॉन्ड है वो कहां बनेगा बेटा, 1 और 4 के बीच में बनेगा, ठीक है। 1 और 4 के बीच में तुमको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड मिल जाएगा। देख लो मैं दिखा रहा हूं तुमको, ऐसा कुछ बनता है, यहां से बॉन्ड स्टार्ट होगा जो यहां बनेगा बेटा, ठीक है भाई। चलो कैसे बनता है देखो, तो 1 और 4 के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है, ये देखना ना, एक मिनट, इससे नहीं बनाएंगे, लाइन से बना लेंगे, ज्यादा अच्छा बनेगा मेरे ख्याल से। यस, ये हो गया, यस परफेक्ट। ये लो पांच कार्बन है, कार्बन को मेंशन करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये है बेटा कार्बन नंबर 5 जो बॉन्ड नहीं बनाता है CH2OH। और देख लो कार्बन 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बना है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये तुम्हारा कार्बन 5, पांच कार्बन वाला यहां पे मॉलिक्यूल बन गया है। अब इसमें H और OH को डालना है, बस आपको कुछ नहीं करना, यहां पे H लिख दो, यहां पे OH, यहां पे H हो जाएगा, यहां पे OH, यहां पे OH हो जाएगा, यहां पे H, यहां पे हो जाएगा H, और उधर हो जाएगा OH। आप काउंट करके देख लो, इसके फार्मूले में आता है बेटा C5H10O5, यही इसका फार्मूला है। और आप देख लो काउंटिंग करके देखोगे तो आपको इसी नंबर में आपका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो है बेटा राइबोज शुगर है, क्या नाम है इसका, राइबोज शुगर।
और इसी राइबोज शुगर को मैं कॉपी करके ले जा रहा हूं, क्योंकि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये लो बेटा, दो सेम स्ट्रक्चर। अब मैं बोल रहा हूं उसी, बस को हाईलाइट करके देखो किसको। ये बेटा ये कौन सा ग्रुप है यार, ये OH ग्रुप बस को आपको देखना है। ये OH ग्रुप कौन सा पोजीशन में बेटा, सेकेंड पोजीशन में है, और यहां पे सेकेंड पोजीशन में बस मैंने OH को हटाया और यहां पे मैंने लिख दिया बेटा H लिख दिया है। ठीक है, अब इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, इन्हीं दोनों को देखना है आपको, बाकी को मत देखो। बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है 2' कार्बन, सेकेंड कार्बन में H और H प्रेजेंट है, जबकि राइबोज में सेकेंड कार्बन में H और OH प्रेजेंट है। मतलब यहां पे इसका नाम देखो बेटा D, मतलब रिमूव किसको, ऑक्सी। मैंने यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, तो ऑक्सीजन को आप रिमूव कर देंगे बेटा तो यहां पे क्या बन जाएगा, डी ऑक्सी राइबोज का फॉर्मेशन हो जाता है। और बहुत सिंपली देखो, दोनों का एग्जाम में डायग्राम आया और पूछा कि बताओ भाई कौन राइबोज है कौन डीऑक्सीराइबोज है, तो आई थिंक मेरे बच्चे जो हैं बहुत सिंपली इसको देख करके बना सकते हैं कि कौन राइबोज है और कौन डीऑक्सी राइबोज है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो चलिए इनके बारे में कुछ नोट करते हैं बेटा। राइबोज कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, यही बात हो गई। मगर यहां पे हम बात करेंगे डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट होता है, सिंपल सी बात है। राइबोज में क्या होता है बेटा, सेकेंड प्राइम में, सेकेंड प्राइम कार्बन ना बेटा, ये देखो ये जो डैश किया हो ना इसको प्राइम कहते हैं, अमेज़न प्राइम मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड प्राइम कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, मगर यहां ऐसा नहीं है बेटा, सेकेंड प्राइम कार्बन में सिर्फ ओनली H ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। लो कितना सिंपल है ये, याद रखना बेटा इसी OH ग्रुप के कारण तुम्हारा आरएनए जो है वो कमजोर होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, जबकि ये कैसा होता है तो बोल देना, मोर स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोर स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये दोनों के बीच में आपको क्या दिख गया बेटा, डिफरेंस दिख गया आपके राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में। बात समझना, जब हम डीएनए बनाएंगे तो डीएनए में तीन चीजों को जोड़ेंगे, एक तुम्हारे राइबोज को, दूसरा तुम्हारे ये पेंटोज शुगर को, और तीसरा तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस को। तो तीनों का डायग्राम अलग अलग पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम दिखाएंगे कि तीनों को जोड़ना कैसे है और उनमें बॉन्ड्स किस तरह के होते हैं, ये भी चीजों को हम वहां पे क्या करेंगे बेटा, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बता दो बस आप कि भैया पेंटोज शुगर के बाद क्या बच गया, नंबर 3, तीसरा नंबर क्या है? तो थर्ड नंबर में आता है बेटा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, नाइट्रो जीनस क्या आएगा, बेस आएगा, मतलब ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, नाइट्रो जीनस में देखो नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन युक्त, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, एक मिनट, नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या होता है, ये कंपाउंड होता है, नाइट्रोजिनस युक्त एक कंपाउंड है बेटा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चक्रीय होता है, चक्रीय संरचना होती है, और इस चक्रीय संरचना को तुम कह सकते हो क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। बढ़िया, अब इस नाइट्रोजिनस बेस की यदि हम बात करें, हाँ याद रखना बेटा एक ऐसा होता है तो नॉन प्लेनर की प्लेनर, अच्छा रुक जाओ, कार्बोहाइड्रेट में जो पेंटोज शुगर है वो 5 कार्बन वाला है,
नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर कहां से, टू प्राइम या फिर थ्री प्राइम एंडो होता है, इसको याद रखना, ये हायर लेवल का कंटेंट है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देखो पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाला है, जैसा हमने बेंजीन रिंग बनाया वैसा नहीं होता, वो नॉन प्लेनर होता है। मतलब जैसे आपने समावयता पढ़ा होगा यदि हिंदी में कि भाई कुर्सी नुमा संरचना, नाव नुमा संरचना, तो वैसे ही स्ट्रक्चर ये भी बनाता है, कहां से, टू प्राइम और थ्री प्राइम एंडो से, ठीक है, नॉन प्लेनर और टू प्राइम थ्री प्राइम एंडो होता है बेटा। हाँ साइक्लिक के साथ साथ ये कैसा होगा, तो प्लानर होता है, ये प्लेन बॉडी सिमेट्री होती है इसकी, आपके नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस को फिर से आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो और आपको पता है कि वो दो पार्ट कौन है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आता है बेटा आपका छोटा वाला नाम प्यूरिन, बड़ा वाला नाम पाइरिमिडीन, ठीक है। अब हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी में मैं लिख चुका हूं, आप यहां पे हिंदी में लिख सकते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में बेटा दो रिंग होते हैं, उसके पहले आप पहले इसको जान लो यार, ये लो, ये हमारा एक हम बेंजीन रिंग बना रहे हैं सिंपल सा, ठीक है, ऐसा बेंजीन रिंग बना देते हैं, ये इसको थोड़ा सा, ये ऐसे सही दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा, बढ़िया, कहीं ना कहीं हमने बढ़िया बना दिया है बेटा। ये बेंजीन रिंग आपको जो दिख रहा है इसमें डबल बॉन्ड सेट कर देते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड यहां होता है, एक बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है बिल्कुल, और एक बॉन्ड आपको यहां पे मिल जाएगा, ये दो, मतलब एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बन गया। क्यों ना सेम स्ट्रक्चर को मैं यहां भी कॉपी कर दूं, ये लो सेम स्ट्रक्चर है बेटा। अब इसमें नया क्या है, तो नया ये है बेटा कि एक रिंग और प्रेजेंट होता है आपके इस वाले स्ट्रक्चर में, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, और ये बंदा सेंटर में आके ऐसा पांच रिंग, मतलब 5 कार्बन वाला रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये ऐसा रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये लो डबल बॉन्ड भी सेट कर दो बेटा, ये डबल बॉन्ड को स्किप करके यहां छोड़ दो, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका इस जगह पे, ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर। अब देख लो जिसके नाम छोटे हैं उसके स्ट्रक्चर बहुत बड़े हैं, जिसके नाम छोटे होते हैं उसके स्ट्रक्चर बहुत बड़े होते हैं, और जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा है बेटा। उसमें एक रिंग है, इसमें दो रिंग है। अब येलो कलर का रिंग किसके पास है, देखो पायरिमिडीन के पास है बेटा, इसी को पायरिमिडीन रिंग कहते हैं, इस रिंग को। अच्छा इस रिंग में अभी तुमको एक चीज और ऐड करना है, क्या ऐड करना है भैया, नाइट्रोजन ऐड करना है, नाइट्रोजन एक यहां है, नाइट्रोजन एक यहाँ है, बाकी जगह कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पे कार्बन है, नाइट्रोजन एक यहाँ है और नाइट्रोजन एक कहाँ है बेटा, यहाँ पे है, ये देख लो नाइट्रोजन आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग नाइट्रोजन, और ये देखो डबल बेंजीन में यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक, समझ गए। अब ध्यान से देखो तुम लोग कि ये भैया दो रिंग है ना, तो पायरिमिडीन के बारे में पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, मैं अपने आप को इधर ले आता हूं, पहले पायरिमिडीन और उसके बाद अपन प्यूरिन कर लेंगे। बोलो भाई पायरिमिडीन में टू रिंग स्ट्रक्चर है ना, दो रिंग वाली संरचना दिख रही है, पहला रिंग का नाम है बेटा पायरिमिडीन, पायरिमिडीन रिंग है वो, क्योंकि ये जो रिंग दिख रहा है ना बेटा ये पायरिमिडीन के पास है ना, इसका नाम ही है पायरिमिडीन रिंग, पायरिमिडीन क्या है, ये रिंग है। और दूसरा जो रिंग यहां पे दिख रहा है ना, उस रिंग का नाम है बेटा एमाइडाजॉल, एमाइडाजॉल रिंग स्ट्रक्चर। तो यार दो तो हो गए ना, एमाइडाजॉल रिंग और एक हो गया बेटा पायरिमिडीन रिंग, इसमें क्या है बेटा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, एक रिंग स्ट्रक्चर है, नाम क्या है इसका पायरिमिडीन, ये लो पायरिमिडीन है। अच्छा पायरिमिडीन में 6 कार्बन है, 6 में से 2 रिप्लेस हो गए हैं, तो याद रखना 2 नाइट्रोजन प्लस, 6 में से 4 कार्बन हो गए, और ये 5 वाला रिंग है, तो
तो पांच में से दो नाइट्रोजन है, तो दो नाइट्रोजन प्लस तीन कार्बन वाले रिंग होंगे, तो बेटा पाइरिमिडीन में वही होगा जो मैंने यहां पे लिखा है, दो कार्बन और चार नाइट्रोजन वाले रिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। और ऐसा रिंग किसके पास होता है, तो एग्जांपल मैंने पहले भी बताया है, एक है बेटा तुम्हारा एडिनिन और एक है आपका गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन को ए से और गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये खत्म करते हैं इसको, किसको मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको, अभी फिलहाल मैं इधर ले आता हूं और पाइरिमिडीन के बारे में नोट करते हैं। बेटा स्ट्रक्चर एक है, सिंगल रिंग होता है, एग्जांपल तीन है बेटा, सी यू टी मैंने कहा था, इसका नाम है साइटोसिन, इसका नाम है यूरेसिल और इसका नाम है बेटा थाइमिन। ये थाइमिन, टोटल आपके सामने में पांच स्ट्रक्चर हो गए। अच्छे से देखना है तो मैं अपने आपको ऊपर कर देता हूं, जहां पे कुछ कंटेंट नहीं है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे एडिनिन गुआनिन एग्जांपल आ जाता है आपके प्यूरिन में और साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमिन आ जाता है बेटा आपके पायरिमिडीन में। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन प्यूरिन है और कौन पायरिमिडीन, डायग्राम आएगा और पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन एडिनिन, कौन गुआनिन, कौन साइटोसिन, कौन यूरेसिल, कौन थाइमिन, तो आपको ये डायग्राम देख करके बताना है कि कौन क्या है। ठीक है, तो इतना चीजें तो आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए। चलो पांचों का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, किसका किसका बेटा, एडिनिन का, गुआनिन का, साइटोसिन का, यूरेसिल का, इन पांचों का यहाँ पे डायग्राम बना के देखते हैं कि बंदे होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए नया पेज में आया हूं, यहां पे मैं पांचों के नाम लिख देता हूं। ठीक है, पांचों के नाम लिखने से पहले एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ही कलर यूज कर लेते हैं। चलो ये यहां से स्टार्ट करता हूं बेटा, छोटा वाला स्ट्रक्चर बनाना है हमको। ठीक है, वन वन लाइन, ये हो गया, वेरी गुड, अच्छा बना डायग्राम, ओके ये हो गया। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, हमको कॉपी कर लेना है यहाँ पे, बस बेटा ये दो स्ट्रक्चर बन गए। ये हमारा स्ट्रक्चर है एडिनिन और गुआनिन का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए और ये हमारा कौन है, जी। ठीक है, ये हो गई बात। अब यहाँ पे एक सिंगल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्यों ना इसको कॉपी कर लूं या फिर नया बना देता हूं। चलो ठीक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा तो ठीक लगेगा, सेम स्पॉटेड करते हैं ये ऐसा, अरे यार थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है भाई, ये सेम स्पॉटेड है, सेम स्पॉटेड हो गया ये। ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग बन गया है, इसको हम तीन कॉपी कर लेते हैं, ये लो, यहां पे हमने इसको दो और ये है बेटा हमारा तीन, या फिर ऐसा करते हैं नीचे रख देते हैं इसको, यहां पर रख लेता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं बेटा, ये टोटल तीन स्ट्रक्चर हो गए। इधर जो बना रहे हैं वो तुम्हारा क्या है, इधर वाला प्यूरीन है और इधर वाला क्या है बेटा, पायरीमिडीन है। सबका नाम लिख लेते हैं, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा यू है, ये तुम्हारा टी है बेटा। ये पांचों स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे डिटेल में देखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बेटा नाम याद रखना पड़ता है आपको, एडिनिन का नाम है, देखो ए का मतलब क्या हो गया, एडिनिन हो गया। ठीक है, जी का मतलब क्या हो गया बेटा, गुआनिन हो गया। टी का मतलब क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। यू का मतलब क्या हो गया, यूरेसिल। और टी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे थाइमिन हो गया। ठीक है, इसका नाम देखो बेटा, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं उसके हिसाब से यहां पे नाम है सिक्स अमीनो क्या बोलेंगे, प्यूरीन कहेंगे, इसका नाम है। अब नंबरिंग कहां से करते हैं, तो बड़े वाले डायग्राम में पहले देखते हैं बेटा नंबरिंग कहां से होती है, व्हाइट कलर में मेंशन कर रहा हूं, नंबरिंग होती है बेटा यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इसकी नंबरिंग होगी। ठीक है, और यहां पे जब आप क्या बनाते हैं,
पाइरिमिडीन बनाते हैं तो पाइरिमिडीन में नंबरिंग कहां से होती है? याद रखना कि दोनों में सेम काइंड ऑफ नंबरिंग नहीं होता बेटा, यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होता है नंबरिंग, यहां से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये टोटल आपकी नंबरिंग हो गई। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या है? तो अब नंबरिंग को वहां भी एक में लेबल कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, इसमें एक में कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, अब ये दो में लेबल हो गए, अब चीजें समझ में आ रही है। मैं कहता हूं 6 पोजीशन में अमीनो, मतलब यहां, ठीक है भाई, यहां पे मैंने पुट किया NH2 या NH3 पुट कर दो, NH2 पुट कर देते हैं। ये देखो 6 अमीनो प्यूरिन बन गया। ठीक, बस आपको डबल रिंग देखना है और अमीनो ग्रुप देखना है, काम आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे तुमको ये बनाना है बेटा कि भाई गुआनिन में क्या होता है। ठीक है, अब एडिनिन और गुआनिन में ये तो है कि दोनों में सेम स्ट्रक्चर होती है, बट अमीनो ग्रुप का जो पोजीशन होता है वो अलग होता है, तो वो क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें भी मेन डिफरेंस क्या है बेटा, यहां तुमको देखने को मिल जाएगा एक अमीनो ग्रुप और एक ऑक्सी। तो इस पोजीशन में डबल बॉन्ड ओ हो जाता है, एक बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे तो आप डबल बॉन्ड मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। और सेकेंड पोजिशन में आ जाता है बेटा अमीनो एंड एच टू, इसका नाम हो जाएगा 6-ऑक्सी-2-अमीनो-प्यूरिन। ठीक है, सिंपल सी बात है, छठवें पोजीशन में ऑक्सी, दूसरे पोजीशन में अमीनो और नाम क्या है प्यूरिन। ठीक है, अब यहां पे यहां अमीनो ग्रुप होता है NH2 और यहां पे होता है बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सी, तो डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां आ गया तो स्किप हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड आपके यहां आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम रखते हैं यहां पे, देखो इसका नाम हो जाएगा 2-ऑक्सी-4-अमीनो और इसको प्यूरिन नहीं, इसको पायरीमिडीन कहेंगे। ये लो, इसका नाम हो गया बेटा यूरेसिल। और खास है देखो, अमीनो को हटा दो और ऑक्सी डाल दो, यहां पे भी ऑक्सी है, यहां पे भी ऑक्सी है, तो डबल बॉन्ड यहां से भी हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, यहां पे बस रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इसका नाम हो जाएगा 2,4-डाई-ऑक्सी पाइरीमिडीन। देखो कितना सिंपल है, और यदि यूरेसिल आपको पता है ना तो थायमिन बहुत सिंपली बना लोगे, जैसा यूरेसिल वैसा ही थायमिन है, मतलब डबल बॉन्ड ओ यहां भी, डबल बॉन्ड ओ यहां भी। तो नया क्या है बेटा, पांचवा पोजीशन ढूंढो, ये पांचवा पोजीशन, ये यहां पे एक नया ग्रुप आ गया है जिसका नाम है मिथाइल, तो इसको बोल दो 5-मिथाइल। क्या है? 5-मिथाइल-2,4-डाई-ऑक्सी-पाइरिमिडीन। ये लो, तो ये हो गया बेटा पांचों के पांचों का यहां पे केमिकल नेम भी मैंने बताया, स्ट्रक्चर भी बताया। आपको याद करने का तरीका मैं क्या बता रहा हूं, यदि पूरा स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जहां पे मिथाइल ग्रुप दिखा वहां आप समझ जाना कि थायमीन है, जहां पे 2-ऑक्सी दिख रहा है, सिंगल रिंग है, तो वो कौन है बेटा, यूरेसिल है, जहां पे 1-अमीनो और 1-ऑक्सी दिख रहा है वो कौन है तुम्हारा, साइटोसिन। डबल रिंग में यदि अमीनो ग्रुप बस दिख रहा है तो बोल देना उसको कि ये एडिनिन है और अमीनो ग्रुप के साथ ऑक्सी भी है तो गुआनिन है। ठीक है, तो आप चाहो तो पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बना लो, या तो फिर इतना बना लो कि भाई एग्जाम में यदि डायग्राम आते हैं तो आप उसको आसानी से बता पाओ कि कौन सा डायग्राम क्या है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, तीनों के अलग अलग मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं। अब हमको बेटा यहां पे क्या करना है, सबसे पहले हम बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और टाइड बनाने के बाद हम बना लेंगे क्या, साइड बना लेंगे, न्यूक्लियोस नहीं, पहले साइड बनाएंगे उसके बाद टाइड बनाएंगे। तो यहां पे हेडिंग डालता हूं बेटा, सबसे पहला बनाना है हमको न्यूक्लियो साइड बनाना है। बोलो न्यूक्लियो साइड किससे बनेगा? तो याद रखना दो चीजें मिलकर के न्यूक्लियो साइड बनाता है बेटा, पहला तुम्हारा 5 कार्बन वाला शुगर,
ठीक है भाई, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस आपका नाइट्रोजिनस बेस को मैं लिख दे रहा हूं बेटा एनबी। नाइट्रोजिनस बेस में कुछ भी आ सकता है, आपका ए आ सकता है, जी आ सकता है, सी आ सकता है, यू आ सकता है, टी आ सकता है, ठीक है। तो पेंटोज शुगर में भी दो आ सकते हैं, या तो वो राइबोज है, या तो वो क्या हो सकता है, डी ऑक्सी राइबोज हो सकते हैं, ये भी पांच हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड बनता है इन दोनों के मिलने से। चलो ऐसा करते हैं कि दो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बेटा, एक राइबोज के साथ बनाते हैं, एक डीऑक्सीराइबोज के साथ बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बड़ा डेंजर बन गया क्या? हाँ डेंजर बन गया, थोड़ा सा इसको बराबर में ले आओ। चलो ये चल जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और यहाँ पे है तुम्हारा कार्बन 5, CH2OH है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना दिया, यदि OH मतलब ये राइबोज है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर को इधर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वैसे ही बना लेता हूँ, बस इसको OH में से O को हटा देना है और H बस बना दूंगा। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा ये राइबोज नहीं, डीऑक्सीराइबोज है। ये देखो दोनों का स्ट्रक्चर, पूरा बनाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है भाई। अब कार्बन जो है वो बॉन्ड बना रहा है यहां पे, कार्बन जो है कौन सा कार्बन बेटा, फर्स्ट कार्बन में बॉन्ड बन रहा है। किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? तो एक हम प्यूरिन बनाते हैं, एक हम पायरिमिडिन बनाते हैं, ठीक है। ये देख के बताना आप कौन है, ये कौन है बेटा, प्यूरिन है, और ये कौन है, ये पायरिमिडिन है। यहां पे नाइट्रोजन कहां कहां पे है लिखना जरूरी है, एक नाइट्रोजन यहां है, एक नाइट्रोजन यहां है, इसको पहला पोजीशन कहते हैं, एक नाइट्रोजन यहां है, एक नाइट्रोजन यहां है, ठीक है। इसमें पोजीशन देखो, ये क्या है, ये वाला नाइट्रोजन एक यहां है, एक नाइट्रोजन यहां है, इसको बेटा नाइन्थ पोजिशन कहते हैं। तो याद रखना कि जब ये बंदा इसको फ्लिप कर सकते हैं, क्या देखते हैं, मिरर इमेज, हाँ नहीं मगर गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट उसी को रख लेता हूं, ऐसा ही रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो चलो ये देखते रहना तुम लोग, ये मैंने बनाया बेटा यहां पे, और बॉन्ड को हटाओ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, नाइन्थ पोजीशन के साथ बॉन्ड बनता है। ये देखो नाइन्थ नंबर ऑफ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है, मगर इसमें ऐसा नहीं होता है। ये देख लो इसमें किसके साथ बॉन्ड बन रहा है, देखो बेटा जब प्यूरीन होता है तो नाइन्थ नंबर ऑफ नाइट्रोजन में, और जब पायरिमिडीन होता है तो फर्स्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है। ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक, क्या बोलेंगे इसको, बंद बोलेंगे बेटा, ठीक है भाई। अब यहां पे लिखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या तुमने जोड़ के बनाया है ना। तो यहां पे देखना, पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन, पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन एवं जो नाइट्रोजनस बेस है, ये कौन है बेटा, एडिनिन या ग्वानिन है, प्यूरिन है ना, तो प्यूरिन का नाइन्थ नाइट्रोजन के साथ क्या बनता है बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक या सेडिक भी बोल सकते हैं, बंद बनता है, मगर ये जो पायरिमिडीन उसके साथ ऐसा नहीं होता बेटा। पेंटोज शुगर के, ठीक है मेरा इमेज कहाँ है, यहाँ है क्या, हटा देते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ देखो, मगर पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन का, ठीक है, पायरिमिडीन के
पायरिमिडीन के फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ यहां पे बंध बनता है, सबके साथ सेम होगा बेटा, चाहे वो ये सी हो, यू हो या टी हो, वही बॉन्ड रहेगा, चाहे वो ये एडिनिन हो चाहे ये ग्वानिन हो, सेम तरीके का बॉन्ड यहां पे बनता है। ठीक है, तो चलो ये बॉन्ड बनने का काम तो समझ में आ गया बेटा, बॉन्ड का नाम क्या है ये समझ में आ रहा है ना, कि आपके पेंटोज शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। यदि वो प्यूरिन है तो नाइन्थ नाइट्रोजन से, और यदि वो पायरिमिडीन है तो फर्स्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन से बंध बनती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई है, चलिए आगे बढ़े फिर। तो बेटा समय आ गया कि अब तीनों मॉलिक्यूल को एक साथ मिला दें और यहां पे कुछ बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड के बाद चलिए अब आते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे। अच्छा हाँ, नाम क्या रखेंगे बेटा न्यूक्लियोसाइड के, नाम क्या रखेंगे, तो ये देखो, तो पहला क्या क्या मिलाना है उसको देखो, ए को मिलाओगे, जी को मिलाओगे, सी को मिलाओगे, यू को मिलाओगे, टी को मिलाओगे। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस हो गए, किसके साथ मिलाना है हमको, राइबोस के साथ। ठीक है, राइबोस के साथ मिलाना है, तो सब में राइबोस डाल दो। चलो अभी अभी हम डीएनए आरएनए की बात नहीं करें, हम बस यहां पे कंडीशन बना रहे हैं, राइबोस राइबोस राइबोस। ठीक है भाई, राइबोस हो गया बेटा। सेम कंडीशन डीऑक्सी के साथ भी बनेगा, सेम कंडीशन यहां पे डीऑक्सी के साथ। अच्छा रुको, इसको रखते हैं, कॉपी करते हैं, यहां पे रखते हैं और इनको अलग कर देते हैं, राइबो की जगह डीऑक्सी राइबोज लिखना है, तो बस थोड़ा सा दूर रख देता है इसको। ठीक है भाई, डीऑक्सी समझ में आ गया, ये डीऑक्सी मेंशन करना है हमको, तो बस इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए भाई, डीऑक्सी राइबोज, ये तुम्हारा डीऑक्सी राइबोज और ये तुम्हारा डीऑक्सी राइबोज, ये होगी ना बात। चलिए ये बन गया तुम्हारे कंपोनेंट को, ऐसा रखते हैं ताकि यहां पे लिखते बने। अब नाम क्या रखेंगे बेटा, ये है तुम्हारा एडिनिन और राइबोज मिल गए, एडिनिन और राइबोज मिल जाएगा तो इसको बोलते हैं बेटा एडिनोसाइन कहते हैं। देखो एडिनोसाइन कहते हैं, इसका गुआनोसिन कहेंगे, ठीक है, गुआनोसाइन कह सकते हैं, मगर जिसका नाम पहले से साइन है, देखो साइटोसिन, तो साइटोसिन से हो जाता है बेटा साइटिडिन हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा साइटिडिन। ठीक है, इसका नाम यहां हो जाएगा यूरिडीन और इसका नाम हो जाएगा आपका थाइमिडिन। ठीक है, जो नाम यहां आपने लिखा है ना उसके सामने बस यहां पे कुछ करना नहीं है, डीऑक्सी लगा देना है, पूरा ले जाता हूं मैं, सेम नाम यहां पे आ जाएंगे ऐसा। ठीक है, बस करना क्या है, सबके सामने में ये ऐसा हटा रहा हूं इसको, आपको समझ में आ गया होगा, सबके सामने में क्या रखना है बेटा, ये नाम लिखना है डीऑक्सी, सबके सामने में क्या लिखना है, डीऑक्सी 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 लिख देना है, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। मैं यहां अपने आप को नीचे ले आता हूं। ठीक है, तो देखो डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, डीऑक्सी साइटिडिन, यूरिडीन, थाइमिडिन, ऐसा बना सकते हैं, मगर डीएनए में यूरिडीन नहीं होता है, ये नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और तुम्हारे जो आरएनए होता है, क्योंकि राइबोस से क्या बनता है बेटा, आरएनए बनता है, और आरएनए में टी नहीं होता है, तो ये कंडीशंस बस बनेगी ना। अच्छा, इसको कॉपी भी करना पड़ेगा, सॉरी इसको मैं उठा के वहां लेके चले गया हूं, मगर यहां रखा ही नहीं, तो ये भी बनेगा, इसके नाम इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करूं, जैसे जो नहीं बनता उसको हटा दो यार, तो एक तो ये नहीं बनता, ये चारों बनते हैं हमारे, उसमें क्या नहीं बनता, तो भाई इसको हटा दो यार, ये नहीं बनता है, इसको हटा दो, तो ये आपका पेयर हो गया, चार चार का पेयर। ठीक है, ये 1 2 3 4 बनता है, इसमें भी 1 2 3 और 4 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नाम रख सकते हैं आप एडिनिन गुआनिन का। चलिए अब बनाते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो
टाइट बनाते हैं, इसमें तीन चीज आएगा बेटा, तीनों चीज को मिला दो पहले तो, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, या फिर दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है कि दोनों को एक साथ क्या कह सकते हैं, इन दोनों को एक साथ क्या कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो दो फॉर्मूले आप याद कर लो, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, या फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और यदि आपको न्यूक्लियोसाइड से साइड बनाना है, देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाओगे, तो क्या करना, न्यूक्लियोटाइड से माइनस कर देना किसको, फॉस्फेट ग्रुप को। तो देख लो फॉर्मूले, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, दो तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब तीनों चीज को मिलाओ, चलो सबसे पहले बनाते हैं बेटा पेंटोज शुगर, ये बीच में हमारा बन गया पेंटोज शुगर, ये ऐसा, नंबर ऑफ कार्बन मेंशन करो, ये लो कार्बन वन कार्बन टू, मैं कहा हूं उसको देख लो यार, बैठ हाँ ठीक कॉर्नर में है, ठीक है चल जाएगा, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5 CH2 इधर रखता हूं OH, ठीक है भाई। फर्स्ट कार्बन में बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बना दो, छोटा सा अपन डायग्राम बना लेते हैं किसका, प्यूरिन का, ये N ये N, इन दोनों को मिला दो ऐसा, ठीक है भाई, ये ऐसा ये ऐसा, ये बेंजीन रिंग बन जाएगा, ये लो ये बन गया बेटा हमारा प्यूरिन, क्यों ना इसको मैं ए मान लो, एडिनिन मान लेता हूं, ठीक है, ये एडिनिन है, ये कौन है हमारा, राइबोज है, एडिनिन राइबोज। अच्छा बताओ अभी यहां से लेकर के यहां तक के स्ट्रक्चर को तुम क्या कहोगे, जब राइबोज और तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस बस होते हैं, इसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियो साइड कहते हैं। यदि आपको टाइड बनाना है तो आपको पता है कि क्या जोड़ना है इसमें, एक चीज बच गया इसमें जोड़ने के लिए, यहां पे ऐसा करते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, तो चलो ये फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं बेटा, यहां से एच को हटाओ और फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दो, ये लो ये लो, क्लियर, ये हो गया तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, एक जगह पे डबल बॉन्ड मेंशन कर दो यहां पे, बाकी दो जगह पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, ये क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है, यहां पे और यहां पे क्या है, माइनस चार्ज है बेटा। अब बताओ इसका नाम क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, कौन कौन है, देखो तो ए है, राइबोज है और ये है, तीनों को मिलाते हैं, देखो तो पहला तो तुम ना जो बन गया उसको पहले से बना दो, एडिनिन प्लस, ठीक है, एडिनिन प्लस राइबोज, एडिनिन प्लस राइबोज था, प्लस यहां पे आ गया फॉस्फेट, ठीक है, एडिनिन प्लस हो जाएगा। अब पूरे चार कंडीशन, राइबोज के साथ क्या क्या बन सकता है उसको देख लो, चार कंडीशन, एक मिनट ये इसको कॉपी कर लो, ठीक है भाई, ये दूसरा कंडीशन, ये आपका तीसरा कंडीशन, ये आपका चौथा कंडीशन, चार हो गया, ए के साथ बनेगा, जी के साथ बनेगा, सी के साथ बनेगा, यू के साथ बनेगा बेटा, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, समझ में आ गया तो आगे वाला भी समझ में आ जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप है ना। अच्छा शॉर्टकट में इसको क्या बोल सकता हूं मैं, ए एम पी कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं जी एम पी कह सकता हूं, मोनोफॉस्फेट, इसको मैं कह सकता हूं बेटा सी एम पी कह सकता हूं, इसको यू एम पी कह सकता हूं, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बनाया था, एडिनोसाइन, ठीक है, तो इसके साथ हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, गुआनाइलिक एसिड हो जाएगा, गुआनाइलिक एसिड हो जाएगा। अब देखो सी के साथ राइबोज जुड़ा तो साइटिडिन, तो इसको क्या बोलेंगे, साइटिडिनिक एसिड बोलेंगे, यू के साथ राइबोज आ गया तो यूरिडिनिक एसिड बोलेंगे, मतलब बस पीछे में आपको क्या करना है, एसिड डाल देना है। और यदि वो डीऑक्सी है तो एक एग्जांपल लेते हैं डीऑक्सी का, ए प्लस
राइबोस की जगह लिख देता हूं डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, तो ये भी तुम्हारा एएमपी तो है, मगर ए के पहले क्या लगना है, डी लगना है और एएमपी लिखना है डीऑक्सी, तो इसका नाम आ जाएगा डीऑक्सी एएमपी को एडिनाइलिक एसिड कह सकते हैं, एडिनाइलिक एसिड कह सकते हैं। और ये एडिनाइलिक एसिड यदि टफ लग रहा है ना, तो एक सिंपल आप कह सकते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनो साइन मोनो फॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे भाई, जीएमपी है मतलब इसको क्या कहेंगे, गुआनोसाइन या गुआनोसिन मोनो फॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। एक काम और करता हूं, आपको ना एटीपी का डायग्राम भी दिखाता हूं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके सबसे नीचे ले जा रहा हूं, इस वाले पेज में आ जाता हूं, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर है बेटा, पूरे चीजों को मैं इरेज कर दे रहा हूं जो मेरे काम का नहीं है, ये लो पूरा, ये सब जानते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना लिए हैं, डबल डबल नहीं बनाते भैया, ये लो चलो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें एक काम क्या करना है बेटा, एक फॉस्फेट अभी तो एएमपी है, क्यों ना इसको मैं एटीपी बनाऊं, एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। ये देखो यहां से हटाना है और दो फॉस्फेट जोड़ना है, एक फॉस्फेट दो फॉस्फेट, जितने जगह इसके बॉन्ड बनेंगे सब जगह पे आपको ओ ओ ओ ओ ओ डालना है, ये डबल बॉन्ड वाला हो गया, बाकी सब में आपको नेगेटिव चार्ज, वन नेगेटिव चार्ज, यहां पे वन तो है, टू थ्री और ये हो जाएगा बेटा फोर। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है तो याद रखना, एटीपी की संरचना कुछ इस तरह से बनती है, ये एटीपी का संरचना है बेटा, समझ में आया। कितने निगेटिव चार्ज है एटीपी में, चार, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आप, इधर हटा देता हूं अपने आपको, सिंपली हम बना सकते हैं एटीपी। यदि मैं नाइट्रोजनस बेस को चेंज करूं तो वहां पे जी डाल दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा गुआनोसाइन बन जाएगा, जीटीपी हो जाएगा, ठीक है। तो आप वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं बिना कोई हेजिटेशन के, बहुत सिंपल फंडामेंटल पैटर्न है। हाँ यहाँ पे काम की चीज है बेटा, बॉन्ड्स मैंने नहीं बताया है, देखो सबसे पहला बॉन्ड यहां दिख रहा है मुझे CH2O के बाद, ये देखो ये बॉन्ड दिख रहा है दूसरा, और फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में देखो ये बॉन्ड दिख रहा है तीसरा, तीन बॉन्ड है, ठीक है। पहला बॉन्ड, ये बॉन्ड तो आप जानते हैं, इसका नाम है ग्लाइको सेडिक बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड वाले का फॉस्फो, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और ये कहलाता है बेटा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड बॉन्ड कहलाता है, एन हाइड्राइड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फॉस्फो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहेंगे इसको, और इसको तो मैं लिख चुका हूं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। याद रखना एटीपी में तीन बॉन्ड्स होंगे, एटीपी में तीन बंध एवं कितने चार्ज है निगेटिव, देखो वन टू थ्री फोर, माइनस फोर चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट होता है। ये तुम्हारा एटीपी का स्ट्रक्चर हो गया बेटा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक ना छोटा सा डीएनए बनाते हैं, देखो ये तुम्हारा डीएनए है, डीएनए में तुम यहां पे फाइव प्राइम और यहां पे क्या लिखते हो, थ्री प्राइम लिखते हो। आज मैं बताऊं तुमको कि फाइव प्राइम को फॉस्फेट और थ्री प्राइम को ओएच क्यों कहते हैं, ठीक है। फाइव प्राइम को फॉस्फेट और थ्री प्राइम को ओएच क्यों कहते हैं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ये देखो फॉस्फेट ग्रुप यहां पे छोड़ना है मुझे, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, सबसे छोटा स्ट्रक्चर, ये हो गया। इसके साथ में कोई, ये एन रख दो, ये एन रख दो, ये ऐसा बना दो, ये हो गया, दो चीजें हो गई यहां पे,
इसके साथ जोड़ो और बस इसमें मेंशन कर देना, सीधा फॉस्फेट दिखा देता हूं ऐसा। तो ये जो फॉस्फेट है ना बेटा, यही तुम्हारा 5' है, पांचवा कार्बन प्राइम है। और इसके साथ कॉपी देखो, अब तीसरा कार्बन देखो, 1, 2, 3 ये तीसरा कार्बन है। तीसरे कार्बन में ओ आया, फिर यहां पे तुमने जोड़ा फॉस्फेट ग्रुप, देखो कॉपी करके दिखा रहा हूं। ये देखो फॉस्फेट ग्रुप आया यहां पे, फिर फॉस्फेट ग्रुप यहां पे बॉन्ड बनाएगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप यहां पे बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से रिंग बनती है। अब लास्ट में लिख देता हूं यहां पे O और H, ठीक है, बाकी का मेंटेन कर दो। फॉस्फेट के साथ ये O है, इधर O, इधर O, डबल बॉन्ड कर दो, इधर O, ऐसा आपको बना देना बस, ये O, ये O, ये O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पे एक O, ये दो, ये तीन, डबल बॉन्ड O। सोचो ऐसा टिपिकल स्ट्रक्चर को हम लीनियर फॉर्म में लिखते हैं बेटा। अब देखो ऊपर वाले छोर में देखो 5 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप है, नीचे वाले छोर में देखो 3 प्राइम में OH ग्रुप है। कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड, नया न्यूक्लियोटाइड सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहां आगे बाइंड करेगा, 3 प्राइम OH से ही बाइंड करता है। मतलब बड़े तुमको पॉलीपेप्टाइड चैन या फिर पॉलीपेप्टाइड चैन छोड़ो, अभी न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े डीएनए और आरएनए बनाना है बेटा। तो डीएनए आरएनए का इलोंगेशन कैसे होता है, तो याद रखना 5 प्राइम से नहीं होता है, 3 प्राइम ओएच ग्रुप में ही नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और लंबे चैन का, लंबे श्रृंखला का स्ट्रक्चर करता है ये, ठीक है। तो बेटा आज अच्छा ये तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया ना, अब इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को इमेजिन करो कि मैं यदि इसको बना दूं, उल्टा कर दूं, ये देखो ट्राई करके देखता हूं, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कॉपी करता हूं, यहां पे रख लेता हूं, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को एक काम करते हैं कि भैया क्या ये मिरर बन सकता है क्या, फ्लिप फ्लिप हो गया। अब हमको करना कुछ नहीं, अरे रे रे रे। हाँ फ्लिप हो गया है, बस इसको पकड़ना है हमको, फ्लिप कैसा हुआ है भाई, ठीक है, ये रहा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट बेटा ये ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये देखो ऐसे बॉन्ड बनती है, इनके बीच में बॉन्ड बनती है, ऐसे बॉन्ड बनती है, ऐसे बॉन्ड बनती है। हाँ ये ए और जी मान लो इसको, हालांकि ये सब प्यूरिन है, मगर इसको सी और क्या मान लेते हैं, सी का ए और टी के साथ में बॉन्ड बनता है, सी का जी के साथ बॉन्ड बनता है। इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये सब छोड़ दो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये रहा बेटा आपका पूरा डिटेल, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया आपके न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में, कितने यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, सभी चीजें मैंने आपको क्या कर दिया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो बेटा ये तो सभी जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए, तो क्यों ना उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि भैया न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, और न्यूक्लिक एसिड के दो नाम जो बहुत फेमस है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। एक है बेटा आपका डीएनए है, और दूसरा आपका क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल है, ये दो है मान लेते हैं, ठीक है। तो डीएनए का क्या काम है, यदि आप जानते हैं डीएनए के बारे में, तो भाई डीएनए का सिर्फ एक ही काम है बेटा, हमेशा, ठीक है, ये एक तरह से जेनेटिक मटेरियल की तरह ही काम करेगा, हमेशा जेनेटिक मटेरियल की तरह ही काम करता है, ठीक है। सिंपली बोलूं तो ऑलवेज एक्ट एज अ Always act as a genetic material. Good morning नहीं है, ये genetic material है, ठीक है, हमेशा ये genetic material की तरह ही काम करता है, मगर RNA में बहुत सारी कहानियां हैं। कैसी कहानियां हैं भाई, ये बोलता है एक तो ये genetic हो सकता है,
या तो ये क्या बोलता है, नॉन जेनेटिक हो सकता है, बोलता है नॉन जेनेटिक मतलब जेनेटिक की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, जेनेटिक में ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा, एग्जाम्पल आपको पता है बेटा वायरस में और वायरॉइड्स में। वायरस और वायरॉइड्स में आपको क्या मिलते हैं, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है। नॉन जेनेटिक में दो तरह के हो सकते हैं, क्या क्या दो तरह के हो सकते हैं, तो एक हो सकता है बेटा एंजाइमेटिक, एंजाइम की तरह काम करने वाला, और दूसरा हो सकता है नॉन एंजाइमेटिक। ठीक है, एंजाइमेटिक में एक नाम आप जानते होंगे राइबोजाइम, क्या नाम है इसका, राइबोजाइम नाम है बेटा। राइबोजाइम ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन करता है, आपके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है, 23S राइबोसोमल आरएनए राइबोजाइम की तरह काम करता है। नॉन एंजाइमेटिक में मतलब जो एंजाइम की तरह काम नहीं करता है वो कौन कौन है भाई, तो वो कौन कौन है यहां पे देखते हैं। एक है बेटा देखो कोडॉन वाला, एक है तुम्हारा नॉन कोडॉन, कोडॉन और नॉन कोडॉन। कोडॉन मतलब आप समझ गए कि जो प्रोटीन बनाने के लिए कोड करता है वो कौन है, एमआरएनए है, तो एमआरएनए कोडॉन की तरह काम करता है। और नॉन कोडॉन में आपका आ जाएगा टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये दो चीजें आ जाएगी बेटा जो कि नॉन कोडॉन कंपोनेंट्स की तरह काम करते हैं। मतलब यहां पे आप देख लो कि भाई आरएनए का काम कितना सारा है, आरएनए ना जा रहे कितने सारे काम कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल भी है नॉन जेनेटिक भी है, एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है नॉन एंजाइमेटिक की तरह काम कर रहा है, कोडॉन भी है और नॉन कोडॉन की तरह भी काम करता है बेटा। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो सबसे कम 2 से 5% होता है आपकी बॉडी में, सबसे ज्यादा होता है राइबोसोम वाला आरएनए 85% के आसपास, और ये 10% के आसपास होता है आपका टीआरएनए। और देख लो कितने सारे काम है, इसीलिए शक्तिमान का भाई जिसका नाम क्या था, अल्टमान था। ठीक है, क्या नाम था इसका, अल्टमान था। अल्टमान ने एक हाइपोथेसिस दिया था बेटा, परिकल्पना दिया था, हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस का नाम था क्या, आरएनए वर्ल्ड। ये तो दिखता नहीं है कलर, कौन सा कलर ले रहे बाबू, ये ले लेते हैं। इन्होंने दिया आरएनए की दुनिया, आरएनए वर्ल्ड, यही आरएनए वर्ल्ड की कहानी थी जो मैंने आपको यहाँ पे आरएनए के बारे में बताई है। ठीक है भाई, चलिए आरएनए के बारे में तो डेटा कम आता है बेटा, मेन है तुम्हारा डीएनए। तो डीएनए के टाइप्स, डीएनए के प्रकार देख लो, डीएनए के प्रकार। ठीक है भाई, डीएनए के प्रकार दो होते हैं, एक होता है तुम्हारा राइट हैंडेड, दूसरा होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, यहां पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, एक राइट हैंडेड, ठीक है, राइट हैंडेड डीएनए, और एक होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंडेड, शॉर्टकट में देख रहा हूं, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। इसमें से सबसे ज्यादातर कौन पाया जाता है, तो याद रखना सिंपल लिख रहा हूं बेटा, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है ये बेचारा, लीस्ट कॉमन है मतलब बहुत कम पाया जाता है। राइट हैंडेड डीएनए बहुत सारे होते हैं बेटा, एग्जाम्पल की बात करता हूं राइट हैंडेड डीएनए की, तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए को इतने कॉलम में ऐसा पैक कर देते हैं, हटा देते हैं अलग। ठीक है भाई, मगर जो आपका राइट हैंडेड होता है उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। क्या क्या वैरायटी होती है देखो, तो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, चलो ये 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया, ये बॉक्स 3 और ये बॉक्स 4 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कितने बनाने हैं हमको, टोटल बनाने हैं 5, और 5 में से 4 जो है वो कौन है, राइट हैंडेड है। ठीक है, ये सभी जो है ये सभी राइट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड है, और उस पर वाला बस लेफ्ट हैंडेड बेटा। एग्जाम्पल क्या है देखो, राइट हैंडेड डीएनए ए डीएनए, ए डीएनए बी डीएनए सी डीएनए और यहां पे डी डीएनए आ जाएगा, और ये है बेटा जेड डीएनए।
मतलब लेफ्ट हैंडेड डीएनए सिर्फ एक है, जेड डीएनए नाम है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इनमें से मोस्ट कॉमन, वाटसन क्रिक ने स्टडी किसकी की थी, तो इसमें से बेटा मोस्ट कॉमन डीएनए बी डीएनए है, याद रखना, वाटसन क्रिक डीएनए कौन सा है, तो याद रखेंगे बी डीएनए को वाटसन क्रिक डीएनए कहते हैं। यदि आप डीएनए के बारे में जानते हैं बेटा, बी डीएनए का सब कुछ याद होता है ना, तो क्या क्या डेटा हमको याद करना है। वन टू, रुको पहले मैं कहाँ हूं, अपने आप को उठा के यहां ऊपर रख लेता हूं। ठीक है, चलिए वन टू, ये थ्री और ये फोर। सबसे पहला बेटा इसका क्या देखना है, हेलिक्स लेंथ देखना है। एक याद रखेंगे हेलिक्स का लेंथ, दूसरा आप इसकी चौड़ाई याद करेंगे डायमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर याद कर लेंगे, या नंबर ऑफ बेस पेयर, और डिस्टेंस बिटवीन क्या बोलेंगे, बेसिस याद कर लेंगे। चार डायमीटर, चार पैरामीटर आपको याद करना है, वन ये टू ये थ्री ये फोर। ठीक है, हेलिक्स का लेंथ देख लो बेटा, हेलिक्स का लेंथ जो है वो कहां से स्टार्ट करना है, आपको डेटा एक याद रखना है, ये सबसे कम होता है बेटा 24। ठीक है भाई, सबसे लास्ट वाला जो है 24, 28, ये 31 और ये वाला 34, इसी को याद रखना। 34 सभी के सभी क्या है, एंगस्ट्रॉन्ग है, सभी के सभी क्या है बेटा, एंगस्ट्रॉन्ग है। और सबसे डेंजरस जेड होता है बेटा, 45 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, आता है 45 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर आपका होता है बेटा, देखो इसका डायमीटर तो आपको पता होगा, बीडीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 18 एंगस्ट्रॉम, ये 19, ये 19, देखो बढ़ते क्रम में 18 19 19 20। ठीक है, और इसका हो जाता है बेटा 23 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया नंबर ऑफ बेस पेयर, आपको पता होगा नंबर ऑफ बेस पेयर की यदि हम बात करें तो आपके बी डीएनए में कितना होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर 10 होते हैं ना, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर क्या होता है, 10 नंबर ऑफ बेस पेयर होती है, 10 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 होती है, यहाँ पे 9 होती है, इसके पास 10 है, इसके पास 11 है, और इसके पास 12 है। क्या सिक्वेंस है, देखो 8 9 10 11 12। बस हाँ यार, याद करना आपको पड़ेगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा को सेट करके रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में लास्ट आ गया तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन बेसेस। ये देखो ये ऊपर भी लिखा है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग इसका है, 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग इसका है। अब सबका जो ना बेटा 3-3 में ही जाएगा, है ना, एक इसका होता है 2.5 एंगस्ट्रॉन्ग, इसका होता है 3.32, और इसका होता है 3.03, और इसका सबसे ज्यादा आया था 3.35, 3.5। ठीक है, ये इतना डेटा आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको क्या क्या पूछेगा, सबसे ज्यादा डायमीटर ब्रॉड कौन है, ब्रॉडेस्ट, ये लो ब्रॉडेस्ट डायमीटर में आपका आ जाएगा एडीएनए, 23 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, लेंथ हेलिक्स लेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, आपके जेड डीएनए का होता है। नंबर ऑफ बेस पेयर किसके पास सबसे ज्यादा है, यस उसी के पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर में सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके पास है, उसी के पास, सब कुछ उसी के पास है, बस एक चीज दूसरे के पास है, वो क्या है, डायमीटर। डायमीटर में ए डीएनए के पास सबसे ज्यादा होता है बेटा, 23 एंगस्ट्रॉन्ग तक का होता है। ये पैरामीटर याद कर लो, जितने भी बड़े एग्जाम, इवन सीसीआर नेट सीजी सेट पीजीटी एग्जाम में तो आना ही आना है, क्योंकि ये अच्छा, इनमें यदि पूरा याद ना हो तो एक तो याद करना पड़ेगा आपको, और वो ये है, कौन सा, ये आपको बेटा बी डीएनए के बारे में डिटेल याद करना जरूरी है, क्योंकि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी को भूल जाओगे चल जाएगा। हाँ, इनमें से कौन सा लेफ्ट हैंडेड यदि पूछेगा, एक ही तो है लेफ्ट हैंडेड ना, तो एक लेफ्ट हैंडेड डीएनए के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये रहा बेटा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि भैया डीएनए क्या है, डीएनए पॉलीमर फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं, उस न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है आपके फॉस्फेट ग्रुप, तीनों मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, बहुत सारे सॉरी तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके आपका क्या बनाते हैं, तुम्हारे लॉन्ग चेन बनाते हैं। उस लॉन्ग चेन का नाम क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। दो एग्जाम्पल है डीएनए आरएनए,
डीएनए हमेशा न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, मगर आरएनए कई सारे काम है। वो एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है, वो कोडॉन एंड नॉन कोडॉन की तरह भी काम करता है, वो एज अ जेनेटिक मटेरियल भी काम कर सकता है। तो बहुत सारी वैरायटी उसकी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे, इसके बाद मेरे ख्याल से हम पढ़ेंगे लिपिड, और लिपिड के बाद पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के बाद पढ़ेंगे एंजाइम्स। और आपको पता है कि एग्जाम में एंजाइम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल प्रोवाइड करेंगे, और ये लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको देंगे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी एनर्जी और उसी कंसिस्टेंसी के साथ फिर से नेक्स्ट 5th लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।